सभी को नमस्कार। छात्र, हम आज पिछले कक्षा में हम डिस्कोर्सेस के तौर पर हमने देखा है घटना वर्णन कैसे किया जाता है और अंश पात्र और उसके साथ साथ स्थान के हिसाब से घटना में किस प्रकार के बातों को ध्यान में रखना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको दीपावली के उपहार पर निबंध लेखन भी आपको उदाहरण के तौर पर दिया गया था और जो अभी हमने भेजा है अटेंडेंस शीट आप लोग फिल करके उसे सेंड करना चाहिए। थereafter हम आज पत्र लेखन के उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहते हैं। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ऑफिशियल लेटर कहते हैं, यहाँ पर अनऑफिशियल लेटर यहाँ पर लिया जाता है। औपचारिक पत्र जो है जो अपनी जरूरतों को पूरे करने के लिए हायर ऑफिशियल को या कोई विद्यालय प्रबंधक या पुस्तक विक्रेता, जिला न्यायाधीश या जिला कलेक्टर या पुलिस अधिकारी, ऐसे उदाहरण प्रश्न आपको इससे संबंधित प्रश्न औपचारिक पत्र में लिया जाता है। अनौपचारिक पत्र अपने संबंधित लोगों को औपचारिक पत्र में पिता या भाई या मित्र संबंधी लोग, मामा मामी दादा, ऐसे लोगों को यहाँ पर अनौपचारिक पत्र में लिया जाता है। जो अपने संबंध में रहने वाले पिता, भाई, मित्र, मामा, तो ऐसे लोगों को लिखे पत्र यहाँ पर अनौपचारिक में लिया जाता है। इससे भी जुड़े एक उदाहरण हम आपको दिए दे सकते हैं। औपचारिक पत्र में अधिकारी लोगों को लिखते हैं, औपचारिक पत्र में उत्तर विक्रेता पाठशाला प्रबंधक प्रिंसिपल या प्राध्यापक पुलिस अधिकारी जिला न्यायाधीश या जिला कलेक्टर, ऐसे प्रश्न यहाँ पर औपचारिक पत्र में पूछे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में जो पिता, भाई, मित्र आदि संबंधी लोगों को पत्र लेखन के रूप में पूछते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दो प्रश्न हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले हम औपचारिक पत्र का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। Thank you.
औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है पहचानना है। अगर अधिकारी को पूछा जाए क्वेश्चन तो ये औपचारिक पत्र है, या पिता भाई मित्र ऐसे लोगों को पूछा जाए तो ये अनौपचारिक पत्र है। इसमें औपचारिक पत्र का उदाहरण हम देखना चाहते हैं। औपचारिक पत्र का प्रश्न ऐसा है, अपने साइकिल गुम होने के शिकायत पर पुलिस अधिकारी को पत्र लिखिए। ये ऐसा उदाहरण हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। पहले पत्र लेकर लिखिए, ये कामन रहता है सब क्वेश्चन के लिए। पत्र भी आप लोग लिख सकते हैं, प्रश्न आपको आप प्रश्न फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न का नंबर देकर उदाहरण और यहाँ पर उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न देखिए, एक बार प्रश्न लिख लीजिए। आपने
यहाँ पर पूर्ण विराम लगना चाहिए, पुस्तक पुस्तक ऐसे आप लोग लिखते हैं ना, हम हिंदी में ऐसे पुस्तक लिखते हैं, पूर्ण विराम होते हैं। पुस्तक लिखने के बाद दाएं तरफ दिनांक स्थान राइट साइड, देन आफ्टर बाएं ओर लिखने वाला व्यक्ति के बाएं ओर क्या लिखते हैं, जो अधिकारी को पत्र लिखते समय पहले हमारा परिचय देना है, कौन लिख रहा है, लेटर कौन लिख रहा है, पहले परिचय देना है। परिचय देने वाला कौन, लेटर को पेश करने वाला प्रेषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेषक, लेटर को अधिकारी को समर्पित करने वाला, पेश करने वाला, बताने वाला प्रेषक होता है। तो यहाँ पर आप लोग प्रेषक का पता बोलते हैं, प्रेषक कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन ये पत्र लिख रहा है, अपना परिचय देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर आपको कोई फोन कॉल आता है तो वहां से पूछते हैं आप कौन है, फोन में बात करते हैं ना, अपना परिचय देते हैं। हम किसी को कॉल करते हैं तो मैं फलाना आदमी यहाँ से बोल रहा हूँ, आप अपना परिचय देते हैं। वैसे ही यहाँ अधिकारी को आप कौन है अपना परिचय दे रहे हैं, पहले स्टूडेंट को पर्सन यहाँ से लिख रहे हैं, किनको लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखेंगे। प्रेषक बोलते हैं, प्रेषक प्रेषक कौन है, हमें आप अपना नाम लिख लेते हैं, मकान या घर का नंबर आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, मकान नंबर। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप में अधिकारी का पता लिखते हैं, अधिकारी टू द कर्सर आप लोग अंग्रेजी में लिखते हैं ना, लेटर किनको प्रेजेंट करना है, टू द प्रिंसिपल, टू द अधिकारी, टू द स्टूडेंट ऑफिशियल पर्सन वहां पर प्रेजेंट करते हैं ना, वैसा है टू द कर्सर जो वर्ड आप लोग यूज करते हैं इसके लिए हम हिंदी में सेवा में लिखना है, सेवा में किनकी सेवा में लेटर यहाँ पर लिखा जा रहा है उसके लिए अधिकारी के नाम पत्र लिखिए, इसके लिए अपना साइकिल गुम होने के शिकायत पर पुलिस अधिकारी को पत्र लिखना है, तो यहाँ पर सेवा में पुलिस अधिकारी को लिखना है, सेवा में पुलिस अधिकारी
के तौर पर नीचे पैराग्राफ में आप लोग लिखना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर विषय होने के बाद मान्य महोदय संबोधन, पुलिस अधिकारी को कैसे संबोधन करते हैं, पिताजी को कैसे संबोधन करते हैं, मित्र को कैसे संबोधन करते हैं, ये संबोधन स्टेप आता है यहाँ पर। सर यहाँ पर ना सर संबोधन कहते हैं सर, यहाँ पर महोदय ये विषय होने के बाद संबोधन आता है। पुलिस अधिकारी को हम मित्र जैसे संबोधन नहीं कर सकते, मित्र को क्या बोलते हैं, प्यारे मित्र, मेरे मित्र, प्यारे दोस्त, ऐसे संबोधन करते हैं। पिताजी को कैसे संबोधन करते हैं, फादर को पूज्य पिताजी बोलते हैं। ओके, कोई अधिकारी को संबोधन करना है तो श्रीमान या श्रीमती जी ऐसे संबोधन करना उचित है, गौरवनीय। ओके, तो इसके लिए हम महोदय लिखना है, महोदय। हम ये आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नेक्स्ट स्टेप आपको रब करके ऊपर लिखाऊंगा। सब लोग भी क्लास नोट में लिखना चाहिए। संबोधन से हम यहाँ से प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये रब कर ले तो बेटा। उसके बाद आप लोग संबोधन से विषय को विवरण अधिकारी को दे रहे हैं लेटर में, ये तीन या चार पंक्तियों में आप विवरण दे सकते हैं। कौन सी रंग की है, ये सारे विषय हम लोग वहाँ पर विवरण में देते हैं। तो महोदय संबोधन कर चुके हैं, इसे संबोधन बोलते हैं, श्रीमान अधिकारी जी भी बोल सकते हैं। महोदय तो बोलना है, हम कहते हैं यहाँ पर देन आफ्टर श्रीमान अधिकारी जी, नमस्कार, मैं गंगा रेड्डी शांतिनगर में रहने वाला मेरा
और अधिकारी को लिखा तो छात्र नहीं लिखते हैं क्योंकि हायर ऑफिसर का वहां पर स्टूडेंट नहीं है। तो इस घटक में आप लोग केवल प्रधानाचार्य या प्राचार्य को लिखते समय आपका आज्ञाकारी छात्र लिख सकते हैं या नहीं लिखा तो भी करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी अधिकारी को आप कॉमन लिख सकते हैं। जो जिनको वहां पर कंफ्यूज होता है ना, इसके लिए आपको कॉमन लिखने का आदर कर लेना चाहिए, इसमें मिस्टेक नहीं मिलते। आपका आज्ञाकारी कौन है? रमेश की प्रणाम है। आप लिखता है तो आपका नाम लिख ले सकते हैं, हो सके तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना चाहिए क्योंकि आपका साइकिल मिलने पर फोन पर आपको समाचार दे सकते हैं। इसलिए आप लोग अपना पुलिस अधिकारी को अपना नंबर देते हैं, सेल नंबर। जो है वो आप लोग अपना नंबर लिख ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, बट आपका नाम तो रहना चाहिए। सर जो एनुअल एग्जाम में नाम नहीं लिखना है ऐसे बोल रहे हैं, कुछ टीचर्स ऐसे गाइड किए हैं, जो गाइड किए हैं जो जिनके सब्जेक्ट में जैसे बोले हैं वैसे फॉलो करना है। नाम लिखने से कोई गलत बात नहीं है, ये अनिवार्य है क्योंकि नाम लिखना जरूरी है, वहां पर प्रेजेंट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, देखने में कोई मटेरियल का आप लोग फॉलो किए हैं या कोई आजू बाजू में जो कोई भी चिट्ठी मिल गया तो इसमें से काफी किया होगा, माल प्रैक्टिस हुआ होगा, ऐसा भी ध्यान में आ जाता है। क्योंकि जो प्रिंटेड मैटर जो भी रहता है वर्कबुक का हो या गाइड का हो उसमें केवल ऐसा ही बताया जाता है, ऐसा नहीं लिखना है। आपका नाम लिख लीजिए, देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, शानदार दिखेगा। ये लेटर का स्ट्रक्चर है बेटा औपचारिक वर्ग। यहाँ पर फिर से एक बार मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, लेटर में पहले आप दिनांक लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, दाईं ओर दिनांक, स्थान, पुस्तक, प्रेषक का पता, यहाँ पर अधिकारी सूचना कौन है, पुलिस अधिकारी को यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर विषय सब्जेक्ट लिखते हैं, किसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं, माननीय महोदय संबोधन लिखते हैं, श्रीमान पुलिस अधिकारी सो या सिचुएशन को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, काम गया है, कितने बजे आपका साइकिल गया है, उसके बाद कंप्लीशन में धन्यवाद करके लिखेंगे, यहाँ पर आपका जो पता दे दे आपका आज्ञाकारी आपका नाम लिख दे। ये औपचारिक पत्र का उदाहरण स्क्रीनशॉट निकाल ले सर, ओके एग्जांपल ఉంది దట్టు ప్లే చేయండి సార్ స్క్రీన్ పైన। और एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है बेटा, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये मित्र के लिए पत्र है बेटा, यहाँ पर आप यहाँ पर स्थान और दिनांक लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ रहा है, आप लोग राइट साइड में लिखना चाहिए। ये मित्र के लिए पत्र है बेटा, क्वेश्चन देखिए ऊपर रेड कलर बार के ऊपर है क्वेश्चन, घटनाग्रस्त दोस्त को सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। एक्सीडेंट लो దెబ్బతిన్నటువంటి మీ ఫ్రెండ్ కి ఓదార్పు కోసం లెటర్ రాయండిని క్వశ్చన్ ఇచ్చారు। వన్స్ అగైన్ క్వశ్చన్, ఘటనాగ్రస్త దోస్తు కో సాంతవన దేని దేతే హుయే పత్ర లిఖియే। యహాన్ పర్ స్థాన్ లిఖే హై, ఆప్కు లెఫ్ట్ సైడ్ మే బతాయా జా రహా హై, ఆప్ లోగ్ రైట్ సైడ్ మే ఉస్కో లిఖనా చాహియే। దెన్ ప్రియ మిత్ర, కైసే సంబోధన్ కర్తే హై మిత్ర కో, ప్రియ మిత్ర, యే
अनौपचारिक पत्र का एग्जाम्पल है बेटा, प्रिय मित्र बोलते हैं, प्रिय मित्र नमस्ते, मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी यात्रा के दौरान तुम्हारे साथ दुर्घटना घट गई। यह समाचार सुनकर मेरे दिल को बहुत पीड़ा पहुंची। अभी कुछ ही दिन पहले हम मिले थे और तुम बिल्कुल स्वस्थ थे। हम दोनों घूमने भी जाने वाले थे, पर अब तुम खुद कुछ दिनों तक नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। ईश्वर की लीला भी बड़ी अजीब होती है, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। मैं इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ, गल है तो जानती हूँ, बाय है तो जानता हूँ, लिखना है। तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, किंतु धैर्य धारण करके अतिरिक्त मीन्स अवसरम 20 जो नेसेसरी है, और कोई उपाय भी नहीं है। नेक्स्ट कंक्लूजन में लिखते हैं, मैं भगवान से सही प्रार्थना करता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारा मित्र। ये राइट साइड में लिखना चाहिए बेटा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में बताया गया है। ये अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल ले सकते हैं। एनी डाउट्स क्वेश्चंस? आज क्वेश्चंस बेटा, अनम्यूट चेयर सर।